टू अ न्यू व्लॉग। जैसे कि आज है वीकेंड, तो डेफिनेटली वीकेंड का व्लॉग तो बनता ही है। और आप देख सकते हो मैं थोड़ा रेडी हो गई हूँ, छोटा मोटा मेकअप मैंने किया है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बाहर। बाहर दो चार काम है, छोटा मोटा जो वीकेंड का काम होता है ना, निपटना होता है, तो उसी काम के जरिए हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा काम निपटाएंगे और उसके बाद वापस घर आएंगे। और हाँ, इस वीकेंड मुझे साड़ी शॉपिंग भी करना है, तो वो भी हम करेंगे। तो गाइज अभी हम मैकडी पे आए हैं, बहुत दिनों के बाद मैकडी आए हैं, तो इधर आके थोड़ा सा कुछ बर्गर वर्गर पिक करते हैं, घर पे जाके खाएंगे। काउंटर पे भी सोशल डिस्टेंसिंग है, टेबल्स पे भी सोशल डिस्टेंसिंग। आ गया मेरा मैकडी, आ गया। चलो बेबी, इधर 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 क्या, इधर इधर नहीं खाएंगे, घर जाके खाएंगे। नहीं, उधर एग्जिट क्लोज है। तो अभी काम है इस इंसान का, इस इंसान के जो चश्मे आप देख रहे हो, कितने दिनों से चश्मे टेढ़े पहन रहे हैं, है ना? कोई टेढ़ा वेढ़ा नहीं है। नहीं, जब अब सीधा सीधा देखो, ये देखो, ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है, साफ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अभी हम क्या उड़ा लिया मेरा मजाक। हाँ, टेढ़ा चश्मा पहनता है टेढ़ा आदमी। ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू। हाँ हाँ, अपना करते रहो। हाँ, अभी सही लग रहा है। हाँ, सही है कि टेढ़ा है? हाँ सही है, देखो कैमरे पे दिख रहा है क्या? ठीक नहीं लग रहा है? नहीं रहा भाई, आपका शक्ल टेढ़ी है तो और क्या होगा, चश्मा टेढ़ा नहीं होगा। Oh my God, suddenly it started raining. जल्दी जल्दी घर, जल्दी जल्दी। Now we are back home, और घर आते ही मैं देख रही थी कितनी जोर से बारिश हो। आप एक बार देखो, Oh my God, मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश में अभी बैठ के हम इंजॉय करेंगे मैकडी का जो हम लेके आए हैं, एंड या सी यू। तो ये है हमारा आज का मेन्यू, बर्गर। कौन सा बर्गर है बेबी? एक तो अमेरिकन वेज बर्गर है और एक आलू टिक्की है। कौन सा वाला क्या है बता नहीं। आगे बोल। मैं तो मैं भी खा के बता सकता हूँ। मैं खा के बता दूँ? और देखो, समझ भी नहीं आ रहा है। दोनों खाना पड़ेगा, थोड़ा और खाते रहना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। देखो, जब पता लगे तो बताना। नहीं नहीं, खाओ। हाँ, मैं थोड़ी ना ऐसा कर सकती हूँ मेरे बेबी के साथ। ये इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि इनसे खाया नहीं जाएगा। तो वर्ग खाएगा, खाओ। नहीं नहीं, खा के दिखाओ। मैं बैठा हूँ, मैं आराम से बैठा हूँ। मैं खा सकती हूँ बेबी। हाँ खाओ खाओ खाओ। लेकिन आपके बिना क्या मजा। मैं नहीं खा रहा। और उसके साथ है ये पनीर रैप। बेबी इसको ऐसे खोलना है, इज्जतदार आदमी की तरह काम करो। फिर इसको ऐसे एक साथ कितने सारे चीजें खाओगे यार, राक्षस हो क्या? अच्छा, ये आलू टिक्की है, ये मेक्सिकन है, तुम आलू टिक्की खाओ। ओके गाइस, फिर बाद मिलते हैं। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू रिमूव माय मेकअप और डिनर करेंगे थोड़ी लेट, क्योंकि हम 8 बजे ही वो बर्गर सब खाए हैं, तो अभी तक भूख तो नहीं है। लेकिन अभी मैं मेकअप रिमूव करूँगी, मेरे मस्कारा जो ऑलरेडी थोड़ा सा फैलने लगा है, और थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया था, तो ये सब मैं मेकअप रिमूव करूँगी, स्किन केयर रूटीन फॉलो करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो अभी मैं मेकअप रिमूवर के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ, दिस वन माइसेलर वाटर, मामाअर्थ माइसेलर वाटर फोमिंग मेकअप रिमूवर विद रोज वाटर एंड ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये एक्चुअली ऐसे आता है,
ऐसे ब्रिसल्स के साथ आता है और ऐसे हम करेंगे तो वो इसका जो फोम है वो निकल के आ जाएगा और ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे सिलिकॉन ब्रिसल्स हैं तो बहुत जल्दी हमारे स्किन को यू नो अच्छे से एक्सफोलिएट भी करता है और अंदर से जो मेकअप है, जो गंक है, वो निकल के आ जाता है। एंड फोमिंग फेस वॉश वैसे आई लव इट, लेकिन फोमिंग मेकअप रिमूवर फर्स्ट टाइम मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। एंड एज यू ऑल नो कि मामाअर्थ का जो प्रोडक्ट है दे आर ऑल नेचुरल, केमिकल फ्री, पैराबिन फ्री, दे आर डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप। और सबसे बड़ी जो बात है, दिस इज़ आवर लोकल ब्रांड, मेड इन इंडिया ब्रांड। नाउ दिस इज़ द टाइम कि हम सब इंडियन ब्रांड को बहुत अच्छे से प्रमोट करें, बहुत उत्साह दें, ताकि और भी अच्छे अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते रहे। And yeah, this is my face after cleaning the makeup and all. इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मेकअप रिमूवर से वैसे मैं हमें पहले मेकअप रिमूव करना होता है, उसके बाद हमें फेस वॉश यूज़ करके फेस वॉश करना होता है। इसमें आपको वो दोनों प्रोसेस एक ही बारी में हो जाएगा, मेकअप रिमूवर प्लस फेस वॉश। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम, इट सेव्स लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो टू वॉश आवर फेस। तो या अभी मेरा फेस पूरा क्लीन हो गया है, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल भी मेकअप कुछ भी नहीं है, इवन मेरा जो वाटरप्रूफ मस्कारा था वो भी चला गया है। तो या अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो, दिस ब्यूटिफुल मामाअर्थ फोमिंग मेकअप रिमूवर, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है, और mamaearth.in के वेबसाइट से अगर खरीदते हो तो दिस इज़ द कूपन कोड Krishna20, और इसके अलावा आपको Amazon, Nykaa, purple.com के वेबसाइट में भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए हम दोनों थोड़ा चिल करेंगे, थोड़ा मूवी वूवी देखेंगे, कुछ करेंगे, एडिटिंग कुछ करेंगे, और थोड़ा लेट डिनर करेंगे। Hi guys! Hey. तो अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अभी टाइम कितना हुआ बेबी? 6 o'clock आई थिंक, 6:30। बहुत जल्दी हम उठ गए क्योंकि आज हम ब्रेकफास्ट के लिए कहीं और आए हैं। यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं, है ना? हाँ, हम जनरली लंच या डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट ऑलवेज एट होम या ऑलवेज एट होटल जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। हाँ, तो आज हम ब्रेकफास्ट के लिए MTR आए हैं। तो लेकिन ये बंद है बेबी, ये दिखने में भी MTR लग नहीं रहा बेबी। ये है MTR ही है बेबी, यही सबसे फेमस है, मलावी टिफिन रूम्स, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। ये दिखाओ, ये रहा बिल्डिंग बेबी। ये कैसा दिखता है बेबी, इसके लिए हम इतने दूर से आए हैं। हाँ अभी बारिश भी हो रहा है तो अभी थोड़ा शेर में खड़े होते हैं। चलो चलो चलो, फोटो वोटो भी जाते हैं। अभी अभी दरवाजा खुला है यार, चलो लाइन देखो कितना लाइन पे लगे हैं लोग। अरे यार, ये है मेन्यू। बिसी भात हेवी लगे खावे। भात, केसरी भात, तरबूज की फ्रूट मिक्सचर, पर्पल ना सही चाटे पास्ता जिन्हें जाते हैं। बिसी वाले भात होते खिचड़ी एक्चुअली। देखा होगा। ये अपने कीवल जिन्हें बोलते हैं। चाव चाव बात नहीं। करावात तो ऐड है। करावात होते झाल होगे। अच्छा। चाव चाव भात है। हाँ। और मसाला डोसा एक तलो वो अरे मसाला नहीं, प्लेन डोसा नहीं, मसाला डोसा ऑयली। मसाला डोसा नहीं है मसाला डोसा और एक ठीक है। क्या बेबी क्या करते हो आप? क्या करें मैडम, अभी पता नहीं था कि वो लाइन एक्चुअली पार्सल के लिए था, अगर इधर खाना है तो ऊपर आना है। ओह माय गॉड, ये काफी विंटेज जैसा लुक देता है। कहाँ कहाँ लेके आ गए? मुझे क्या पता मैडम। वाव, अरे एक्चुअली वो ज्यादा अच्छा था, वो फेमस एरिया बैठने का, हम ये एक्सटेंडेड एरिया में आए। हाँ, क्योंकि वो फुल है। ये देखो फुल है, नहीं हम पहले ही आए थे, जब गेट खुला है तभी आए हैं हम लोग।
हमें पता ही नहीं है कि बैठा है। चलो इधर लाइट अच्छा है। चलो ठीक है ना, अभी सोशल डिस्टेंसिंग में ऐसे बैठते हैं। ऑर्डर रिसेंटली करा हुआ दो से वन नॉर्मल इडली मसाला डोसा और कौन सा है कड़ा चाव चौपाट वन मसाला डोसा वन इडली बड़ा इतना बेबी इतना खा के यू कैन ड्राइव बेबी आराम से पहुंच जाएंगे ना। इतना आइटम आपने ऑर्डर किया हाँ कैसे खाओगे? मैं तो खाऊंगी इतना सा। बेबी पैक करा लेंगे ना। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। बेबी टेस्ट करके बताओ। कैसा है? अच्छा चलो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट ये सब खत्म करते हैं। ये देखो साइड में कीवी दिया है। तो ये सब खाली हो गया है और बेबी भी लेके गए हैं वो लोग। हाँ कैसा था बेबी? कम खाया पेट भर गया बेबी। हाँ एक डोसा एक इडली और एक थोड़ा सा आपका ऊपर चला चाव चाव भात और भात नहीं बात बात हाँ। और एक थोड़ा स्वीट सा था पता नहीं क्या था वो अच्छा वाला था यार क्या नाम है इसका वो उसके साथ ही आता है उसके साथ आता है और एक बार बस अब भी मैंने हाफ हाथ का आधा मैं ऊपर ले लिया अभी देखो कितना भीड़ हो गया है यहाँ पर। अभी सिर्फ 7:14 हो रहा है, सिर्फ 45 मिनट्स हुआ है होटल खुला। कितना भीड़ है देखो गाइस कितना भीड़। ओह माय गॉड ये लाइन है पार्सल का और नीचे चाय पीने का। सो गाइज यहाँ का बिल जो आया है वो हमारा 261 रुपीज़ का आया है एंड इट्स रीजनेबल। तो खाना अच्छा था, ब्रेकफास्ट अच्छा था, सो दैट वाज गुड एक्चुअली, वी रियली लाइक इट। एंड भीड़ भी बहुत है, यहाँ भीड़ बहुत है तो यहाँ आने का टाइम है 6:30 AM। सो ये आप नोट करके रख लो और मेक श्योर बी एट हेयर। मज़ेदार ब्रेकफास्ट है, कम में काफ़ी पेट भर जाता है, दैट वाज वी लाइक इट यू नो। एंड या इट्स अ फन प्लेस टू बी इन बिकॉज ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ बैंगलोर, सो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट विजिट। थम्स अप। तो गाइस अभी हम व्लॉग यही एंड करते हैं। यस सुबह सुबह और हैप्पी मूड एंड हैप्पी नोट, थोड़ा सा बारिश भी हो रहा है। हाँ तो अभी हम घर चलेंगे एंड वी विल लीड आवर डे टुडे। यस सो
सो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।